हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस अभी आपने जिस तरह का होम स्क्रीन पर स्टेटस देखा इंस्टाग्राम पर जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है गाइस, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आ जाऊं और आप भी इस तरह का स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें इस तरह का स्टेटस क्रिएट करने के लिए को सबसे पहले अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है काइनमास्टर। को काइनमास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं है तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा गाइस, वहाँ से दकी डाउनलोड कर लेना। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस, और जितना भी मटेरियल यूज करूंगा सबका लिंक को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ़ोन में इसको यूज कर सकते हैं स्टेटस क्रिएट करने के लिए। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का दिखेगा गाइस। दिखने के बाद जो दिख रहा प्लस का आइकन उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद जो 9/16 दिख रहा है उसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद कोई गैलरी ओपन होकर आ जाएगा। आ जाने के बाद जो दिख रहा सेटिंग का ऑप्शन सेटिंग में क्लिक करना है। आपको नीचे जो दिख रहा एडिटिंग का ऑप्शन एडिटिंग में क्लिक करना। उसका जो ड्यूरेशन है गाइस जो था चार सेकंड उसका ड्यूरेशन को 3 सेकंड तक रखना है। रखने के बाद इसको अगर नीचे जाना जो फिलिंग ऑप्शन दिख रहा है फिलिंग सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट हो जाने के बाद गाइस उसको डन कर देना। डन करने के बाद यहाँ से कुछ मॉडल्स फोटो ऐड कर लेना। अगर नहीं है तो अपना खुद का फोटोज का बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं गाइस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास नहीं है तो जो मैं कुछ मॉडल्स फोटो ऐड कर लेता हूँ गाइस। तो देखो गाइस मैंने कुछ इस तरह से ओपन किया कि यहाँ से मैं कुछ ही मॉडल्स फोटो ऐड करता हूँ। पहले आपको जो 8 मॉडल्स फोटो ऐड कर लेना गाइस, उसके बाद जो मैं आगे का प्रोसेस आपको बताऊँगा गाइस। तो देखो मेरा 3 हो गया, 3 हो जाने के देखो मैं 4 हो गया। 4 हो जाने के बाद गाइस मैं इसमें ऐड करके दिखाऊंगा गाइस, और आप इस तरह स्टेट क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो इस वीडियो पे बने रहें गाइस। तो देखो कितना हुआ 4, 5 हो गया गाइस। 5 हो जाने के बाद गाइस और मैं ले लेता हूँ 6, 7, 8। देखो मेरे हो गया। हो जाने के बाद गाइस आपको कुछ नहीं करना है, डन करना। डन करने के बाद गाइस को फर्स्ट तरफ आना है। इसको करके फर्स्ट तरफ आने के बाद गाइस जो इसका प्लस का आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। इस तरह क्लिक करने के बाद गाइस जो दिख रहा है स्पीड टर्न इस वाला इफेक्ट को आपको डाउनलोड कर लेना गाइस। इसको कैसे डाउनलोड करना गाइस तो वीडियो पे बने रहे, मैं आपको सब बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, आपको कैसे यूज करना। देखो मैंने डाउनलोड किया है गाइस इस तरह से, उसका जो फर्स्ट इफेक्ट में ऐड कर देना कुछ इस तरह से गाइस। और इसका जो मतलब कि इफेक्ट का जो मतलब सेकंड इसको 1 सेकंड तो रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना गाइस। 1 सेकंड तो हो जाने के बाद गाइस ऐसे 1 सेकंड में ऐसे 1 पॉइंट कम रखना है, 1 सेकंड से 1 पॉइंट कम। देखो मैंने कितना रखा हूँ देख लेना, 1 सेकंड में 1 पॉइंट कम रखना गाइस। यहाँ से डन करना है, फिर दूसरा प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है, फिर जाना आपको स्पीड टर्न पर क्लिक करना, जो सेकेंड वाला ऐड कर लेना है। इसका भी ड्यूरेशन आपको 1 सेकंड में वो 1 पॉइंट कम रखना है, फिर ऐसे डन करना, फिर दूसरा प्लस पर क्लिक करना है, स्पीड टर्न में जाना है, जो थर्ड नंबर उसको ऐड कर लेना है। इसका भी इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना गाइस। देखो मैं किस तरह से मतलब इफेक्ट ऐड कर रहा हूँ, अभी इस तरह से ऐड करना। मैं जितना पॉइंट में रखता हूँ उतना पर अगर रखोगे तो गाइस आपका स्टेटस जो है बेहतरीन बन के तैयार हो जाएगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं गाइस। मैं आपको इसमें फुल ट्यूटोरियल बताऊँगा और आप इस तरह का स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस आप वीडियो पर बने रहे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलो गाइस को कुछ इस तरह से कोई ऐड कर लेना गाइस, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब कि कैसे डाउनलोड करना उसको मैं बताऊंगा गाइस, पहले मेरे मतलब फ़ोटोज़ में ऐड करने दो, उसके बाद मैं आपको सब बताऊंगा। तो देखो गाइस बस मेरा कुछ इस तरह से ऐड हो गया। हो जाने के बाद इसको डन करना। डन करने के बाद फर्स्ट तरह बना गाइस, फर्स्ट मॉडल पे क्लिक करना। इसका ड्यूरेशन आपको इस तरह से मतलब कि जितना था लास्ट तक होता उतना तक ले जाना, घींच के गाइस छोटा कर लेना है। तो मैं जितना मतलब मॉडल्स फोटो का सबका ड्यूरेशन जो है मैं कुछ इस तरह से फोटोज़ पर क्लिक करके इस तरह से मतलब कि जितना है इसको ड्यूरेशन छोटा कर लेना। नहीं हो रहा है इसको जूम करना इस तरह से, उसका जो फोटोज पे क्लिक करना और इसका ड्यूरेशन को कुछ तरह से जहाँ तक कि मतलब छोटा इतना तक वो कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना गाइस। इसके बाद जो मैं आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगा गाइस, तो इसका ड्यूरेशन मैं चलो कुछ इतना रख लेता, सॉन्ग के साथ इसको मैं इसको एडजस्ट करूँगा। तो यहाँ से डन करता हूँ गाइस, इसको फर्स्ट तरफ आना है। आने के बाद इसको सॉन्ग ऐड करना, तो चलो मैं लेयर पर क्लिक करता हूँ, मीडिया पर जाता हूँ और मैं यहाँ से जो इसका सॉन्ग है मैं यहाँ से ले लेता हूँ गाइस। आप भी कुछ इस तरह से ले लेना, तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सॉन्ग आपको दे दूँगा। ऑडियो आपको इससे एट्रेटिव ऑडियो करके नहीं निकालना पड़ेगा, तो मैं एट्रेटिव ऑडियो करके सॉन्ग ले लेता हूँ, वीडियो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ।
रिलीज हो जाने के बाद गाइस को कुछ ना फर्स्ट तरफ आना है गाइस। इस तरह से यहाँ तक आने के बाद जो देखा सेटिंग का ऑप्शन आ सकता है, सेटिंग में क्लिक करना है, फिर को जाना है एडिटिंग में, और यहाँ से का जो ड्यूरेशन है गाइस आपको रख लेना है यहाँ से, मतलब कि कुछ रख लेना, 5 सेकंड तक रख लेना गाइस, 6 सेकंड तक रख लेता हूँ, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, और यहाँ से वो डन कर देना गाइस। यहाँ से आपको कुछ मतलब 6-7 फोटो ऐड कर लेना। तो चलो मैं यहाँ से लेयर पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद से मैं यहाँ से जो है फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ कुछ इस तरह से गाइस, आप भी ऐड कर लेना। तो देखो अब इस तरह से ऐड हो जाने के बाद गाइस जो मैं आगे का प्रोसेस को बताऊँगा, तो देखो मैंने कितना फ़ोटो ले ऐड कर लिया हूँ। आपको कुछ इस तरह से फ़ोटो जो है ऐड कर लेना गाइस। तो जो आपका स्टेटस है तो बन के तैयार हो जाएगा, और दिक्कत नहीं गाइस, नहीं बना तो मैं को पूरा ट्यूटोरियल बताऊंगा। इस तरह ऐड हो जाने के बाद डन करना गाइस, डन हो जाने के बाद फर्स्ट तरफ आना गाइस। फर्स्ट तरफ आने के बाद गाइस जो आपको इसको एक बार प्ले करके मतलब सुन लेना कि कहाँ से मतलब बीट स्टार्ट होता है, वहीं से फोटो एडजस्ट करना। तो मैं चलो थोड़ा माइक हटा लेता हूँ, यहाँ तक आता हूँ, उसको प्ले करके देख लेता हूँ। देखो गाइस जो मेरा बीट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है गाइस, स्टार्ट हो रहा है। जो ड्यूरेशन इसका जो ड्यूरेशन कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना, एडजस्ट हो जाने के बाद गाइस को यहाँ से डन करना गाइस। इसको मतलब थोड़ा जूम कर लेना गाइस, इस तरह से, इतना जूम कर लेना गाइस जो फर्स्ट, अरे ये ज़्यादा छोटा हो गया, इसका जो ड्यूरेशन है वो कुछ इस तरह से ज़्यादा कट कर इसको इस तरह से यहाँ तक रखना गाइस, मतलब इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। देखो इतना तक यहाँ से डन करना है। दूसरा मॉडल्स का जो है इसका ड्यूरेशन अच्छा ठीक ठाक है, मतलब ये भी एडजस्ट हो गया है। देखो मेरा जो फोटो है कुछ तरह से एडजस्ट हो गया है। इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है आपको यहाँ से कट कर देना गाइस। तो चलो मैं इसको काटने और उसको मैं कुछ तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ गाइस, मतलब को बीट के साथ एडजस्ट करना। देखो जहाँ से मोटा बीट आ रहा है यहाँ तक को फोटो लाना गाइस। देखो ये मेरा एडजस्ट है, ये भी ठीक है, इस वाला भी फोटो मतलब एडजस्ट में है गाइस। इसका जो ड्यूरेशन है थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इसको यहाँ से क्लिक करके इसका जो ड्यूरेशन मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से डन कर देना गाइस। और यहाँ तक आना है इसका भी ठीक है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ से आपको आके कट कर देना गाइस। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ, कट हो जाने के बाद डन करना गाइस। डन करने के बाद फर्स्ट तरफ आना कुछ इतना दूर तक, यहाँ तक आने के बाद जो फर्स्ट मॉडल्स का फोटो है गाइस जिसमें वो इफेक्ट ऐड की हो ट्रांजेक्शन उसमें नहीं, उसके बाद जो मतलब के लिए थे 5 सेकंड तक उसका वाला मतलब 5, इसके बाद उस पर क्लिक करना, मॉडल्स पे क्लिक करने के बाद क्लिक ग्राफ्सी में क्लिक करना है। क्लिक हो जाने का जो दिख रहा है लाइन ब्रश IN के लाइन लिंक ब्रश, इस पर क्लिक करना है। जो सेकंड वाला मतलब थर्ड नंबर दिख रहा है उसको ऐड करना कुछ इस तरह से, और यहाँ से डन करना गाइस। फिर दूसरा मॉडल्स पे क्लिक करना है, क्लिक ग्राफ्सी में जाना है, लिंक ब्रश जाके इसको ऐड करना है गाइस। को कैसे डाउनलोड करना है गाइस का भी मैं आपको बताऊंगा, तो मैंने पहले बताया था कि वीडियो पे बने रहें और आप इस तरह का जो डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। तो जिसको मैं ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह का जो क्लिपग्राफ्सी का और जो ट्रांजेक्शन मैंने लगाया कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस तो देखो मैं कुछ तरह से ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। तो वीडियो पे बने रहें और आप भी इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं गाइस। तो चलो मैं कुछ इस तरह से ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कैसे डाउनलोड करना है। तो देखो मैंने ऐड, देखो मेरा जो जितना मॉडल्स का प्रोसेस में ऐड हो गया, हो जाने का डन करना गाइस। तो मैं बता देता हूँ कि ट्रांजैक्शन कैसे ऐड करना है। जैसे देखो मान लो ये वाला है, यहाँ प्लस पे क्लिक करना गाइस, सुनो प्लस का ऑप्शन नहीं है। क्लिक करने के बाद गाइस को इसको के नीचे जाना है, मैंने पहले ट्रांजैक्शन ऐड कर दिया हूँ। नीचे जाने के बाद जो गेट मोर का ऑप्शन दिख रहा है सॉरी, इसमें आपको पहले मतलब अगर फोन का जो नेट है ऑन कर लेना। तो चलो मैं इसको मतलब नेट ऑन कर लेता हूँ। ऑन हो जाने के बाद जो दिख रहा है गेट मोर का ऑप्शन क्लिक कर देना गाइस। क्लिक करने के बाद आप उसके पास का इंटरफेस को कुछ इस तरह का दिखेगा। दिखने के बाद जो दिख रहा है एक्शन का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे जाना गाइस, देखो लिखा होगा इफेक्ट ऐड मतलब कि डाउनलोड करना। देखो नीचे लिखा है स्पीड टर्न, इस वाला इफेक्ट को तक क्लिक करके यहाँ से इंस्टॉल करना मतलब डाउनलोड करना। देखो मेरा डाउनलोड है, तो मैं यहाँ से बैक जाता हूँ, डन करता हूँ। उसको बता दें क्लिप ग्राफ्सी कैसे डाउनलोड करना है। तो चलो देखो मैं क्लिप ग्राफ्सी किसमें ऐड किया, इसमें क्या ऐड किया हूँ, मतलब इस पर क्लिक करना मॉडल्स फोटो पे, इसको जाना क्लिप ग्राफ्सी में। जाने के बाद स्क्रॉल करो नीचे जाना गाइस, देखिए यहाँ से गेट मोर का ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक कर देना है।
क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। दिखने के बाद इस साइड स्क्रॉल के नीचे जाना गाइस, जो दिख रहा है स्टाइलिश पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइस आपको इसी पे मतलब उस इफेक्ट का मतलब दिखेगा। तो चलो मैं इसको अगर नीचे जाता हूँ देखता हूँ किधर है। तो देखो गाइस यहाँ पे है लिंक ब्रश, इस पर टैप करना गाइस और यहाँ से कोई इंस्टॉल करना। देखो मेरा पहले से है तो मैंने बता दिया गाइस, आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं गाइस, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तक हो जाने के बाद जो फर्स्ट तरफ आना गाइस और मतलब इसके बाद लेयर पे क्लिक करना, फिर मीडिया पे जाना गाइस और यहाँ से आपको एक बॉर्डर पीएनजी ऐड कर लेना गाइस। तो चलो मैं यहाँ से एक बॉर्डर पीएनजी जो है कुछ इस तरह से ऐड कर लेता हूँ। ऐड हो जाने के बाद इस पर क्लिक करके यहाँ से तब फिल स्क्रीन सेलेक्ट करके अंदर डन कर देता हूँ गाइस। इसको थोड़ा मतलब इस तरह से जूम ज़्यादा इसको छोटा कर लेता हूँ, तो जो बॉर्डर पीएनजी है वीडियो के लास्ट तक इस तरह से ले आना है। ले आने के बाद गाइस वो डन करना गाइस। तो बस गाइस का जो स्टेटस है गाइस बनके तैयार हो गया गाइस। आप स्टेटस को एक नज़र देख लीजिए गाइस। तो पहले देख लीजिए तो गाइस सभी ने देख लिया कि मैंने किस तरह से स्टेटस क्रिएट किया होगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करना गाइस, जो कमेंट करके जरूर बताना गाइस कि वीडियो कैसा लगा गाइस। गाइस मैं इस तरह का ट्रेंडिंग स्टाइल लेके आते रहता हूँ गाइस। अगर मेरे चैनल पर नए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना गाइस और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना गाइस, ताकि इस तरह जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।